नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की दसवीं शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सफर का 8वां तारीख है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 26 सितंबर है, जो कि वर्ष का 269वां दिन है और साल में अभी 96 दिन बाकी है। 26 सितंबर के इतिहास की बात करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद में समानता की बात करें तो वह है उनका जन्मदिन। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दोनों ने ही अपने क्षेत्र में शानदार कामयाबी हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को आज ही के दिन हुआ था और वह 2004 से 2014 के बीच देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। सुलझे हुए अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में भी आर्थिक सुधारों का श्रेय माना जाता है। देवानंद का जन्म बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर के आज ही के दिन हुआ था और हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद 50 से 60 के दशक के माने जाने अभिनेताओं में एक थे। उनकी अदाकारी और उनका संवाद का जो अंदाज था वो काफी निराला था। इसी के साथ 1820 में भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी आज जन्मदिन है। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होंने विधवा विवाह के लिए एक लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। 1919 में रोटरी क्लब ऑफ इंडिया में कलकत्ता की पहली बैठक हुई। रोटरी क्लब एक ऐसा संगठन है जो संसार भर में सेवा करने वाले लोगों का संगठन है, जो जाति, लिंग, वर्ण या राजनीतिक विचारधारा के भेदभाव के बिना सबकी मदद करते हैं। संसार में लगभग 32,000 से अधिक रोटरी क्लब है, जिसमें 13 लाख से अधिक लोग इनके सदस्य है। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संबोधन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में स्थानीय समय के अनुसार करीब 9 बजे होगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC शुक्रवार को अस्तित्व में आ गया है। इसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ली है। NMC को देश के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और चिकित्सीय पेशवरों के नियमन के लिए नीतियां बनाने का अधिकार है। भारत और यूरोपीय संघ हरित परियोजनाओं के क्षेत्र में शोध और नव प्रवर्तन सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और यूरोप के बीच शोध और नव प्रवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मकसद से जैव प्रौद्योगिकी विभाग सफल भारतीय प्रतिभागियों को 5 क्षेत्रों में यूरोपीय इकाइयों के साथ मिलकर परियोजनाओं पर काम करने के लिए वित्त पोषण करेंगे। इस सहयोग से भारत की अनुसंधान क्षमता मजबूत होगी और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा में EU भारत भागीदारी में योगदान देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को एक अहम पहल करार दिया है। IMF ने संचार विभाग में कार्यरत निदेशक गैरी राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संकट के बाद घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है और बड़े जोखिमों को कम किया है। एशियाई बाजारों के सकारात्मक रुख तथा वॉल स्ट्रीट में गुरुवार को लाभ के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में बढ़त लौटी और यह हरे निशान के साथ बंद हुआ।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरों के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा। हालांकि बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। नारद संचार केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियां आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में यदि आपके पास कोई सुझाव हो और इसे आमजन तक पहुंचाने में हम आपके योगदान को अपेक्षित करते हैं और आप हमारी वेबसाइट narad-sanchar.com पर भी जा सकते हैं। आपका दिन स्वस्थ रहे, आप मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।